start by putting, right? First of all, what is a ray of light? Ray of light क्या होती है? ये एक line है, geometrical line है, ठीक है? ये light ray तब बनेगी जब हम इसके ऊपर arrow डालेंगे in which the light is traveling. अगर आप arrow नहीं डालोगे तो ये line होगी, ये light ray नहीं होगी. So always we say that it is compulsory to put arrows when you draw the ray diagram. तो आपने सेवेंथ में पढ़े हुए हैं, आपने एट्थ में पढ़े हुए हैं, इसके बाद आप टेंथ में पढ़ रहे हो. तो उसमें आप अगर जल्दी जल्दी में एरो नहीं डालते हो, आपके वन मार्क हाफ मार्क डिडक्ट हो सकते, ठीक है? तो प्लीज डू दैट. लिखिए इसकी डेफिनेशन. व्हाट इज अ रे ऑफ लाइट? इट्स अ ज्योमेट्रिकल लाइन, इट्स अ ज्योमेट्रिकल लाइन अलोंग विच लाइट ट्रेवल. इट्स अ ज्योमेट्रिकल लाइन अलोंग विच light travels. It's a geometrical line along which light travels. Then we have a beam of light. Beam of light. It's a group of rays of light together, or it's a bundle of light rays together. That is called a beam of light. इसको पेंसिल ऑफ लाइट भी कहते हैं. बीम ऑफ लाइट और पेंसिल ऑफ लाइट इज अ बंडल ऑफ लाइट रेज टुगेदर. इट्स अ ग्रुप ऑफ लाइट रेज टुगेदर, ठीक है? देर आर थ्री टाइप्स ऑफ बीम्स ऑफ लाइट, थ्री टाइप्स ऑफ बीम्स ऑफ लाइट. फर्स्ट इज पैरेलल बीम ऑफ लाइट, कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट. Parallel beam of light in which light rays are parallel to each other. It's a beam of light in which rays of light are parallel to each other. ठीक है? It's a beam of light in which rays of light are parallel to each other. Can you give any example? कब आपको parallel beam of light आता हुआ दिखता है? Can you quote some example? कब आपको कहीं से लाइट रेज पैरेलल आती दिखती हैं? कैन यू थिंक ऑफ समथिंग? फॉर एग्जांपल, लाइट रेज कमिंग फ्रॉम अ डिस्टेंट सोर्स. अगर एक लाइट का सोर्स है, एक बल्ब है, वो कहीं दूर लगा हुआ है, तो आपको वहां से जो लाइट रेज है, सन से जो लाइट रेज है, पैरेलल ही लेते हैं ना. तो लिखो एग्जांपल. फॉर एग्जांपल, रेज कमिंग फ्रॉम अ डिस्टेंट सोर्स, वो बीम हमेशा पैरेलल लगेगा आपको, पैरेलल होगा. फॉर एग्जाम्पल, रेज ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम अ डिस्टेंट सोर्स लाइक सन. सेकेंड है कन्वर्जेंट बीम, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट. कन्वर्ज वर्ड का मीनिंग, इंग्लिश मीनिंग होता है टू मीट एट अ पॉइंट. So it's a beam of light in which the rays of light, they meet at a point. It's a beam of light in which the rays of light meet at a point. ये ऐसे जहां पे हमें लग रहा है, जहां पे किसी बीम में ऐसे रेज मीट कर रही है कहीं पे, किसी भी पॉइंट पे, दैट बीम ऑफ लाइट विल बी कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट. सो कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट इज अ बीम ऑफ लाइट इन विच rays of light meet at a point, in which rays of light meet at a point. इसमें भी आप example दे सकते हो, ये तो चलो draw कर लो साथ में. example आप दे सकते हो, when a convex lens is kept in the path of rays of light, paper starts burning. आपने देखा है ना कभी, शायद कभी कभी करके भी देखा हो. that is the experimental skills. आपके माइंड में जो एक्टिविटी है, आप बुक में देखते हो, आपको ये होना चाहिए कि हम उसको परफॉर्म करके देखें. आप बहुत, अगर सनलाइट हो नून टाइम पे, अगर आप एक कॉन्वेक्स लेंस को पेपर के ऊपर फोकस करके रखते हो, पेपर को उस लेंस के फोकस पे रखते हो फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम, तो अगर वो ब्राइट सनशाइन है तो पेपर बर्न होना शुरू हो जाएगा वहां से.
ये आप घर पे ट्राई कर सकते हो, पेपर विल स्टार्ट बर्निंग, इट विल स्टार्ट ब्लैकनिंग। तो ये क्यों? क्योंकि रेज उस फोकस पे कन्वर्ज हो रही है, लेंस उन रेज को कन्वर्ज कर रहा है। तो एग्जांपल लिख लीजिए, बर्निंग ऑफ पेपर व्हेन कॉन्वेक्स लेंस इज केप्ट इन द पाथ ऑफ सोलर रेज। बर्निंग ऑफ पेपर व्हेन अ कॉन्वेक्स लेंस is kept in the path of solar rays, sun rays. Third type of beam is divergent beam. Divergent beam of light. Divergent beam of light. Diverge word means, English meaning hai, to come out of a point, ek point se bahar jana, scatter hona. To come out of a point. So this is a beam of light in which the rays of light come out of a point. Uska bilkul reverse hai. So jisme rays ek point se bahar aati lagengi, that will be called divergent. Theek hai, likh lo. It's a beam of light in which the rays of light come out of a point. It's a beam of light in which the rays come out of a point. Bahar aa rahi. For example, street light. Street lights mein aap dekh rahe ho na, light bahar ko scatter ho rahi hoti hai, diverge ho rahi hoti. For example, street lights, they diverge the rays of light. Theek hai? So street lights, they produce divergent beam. हाँ, sun से जो बाहर आ रही है वो divergent कह सकते। ठीक है, types of beam हो गए। Now there are two types of images, real and virtual. When is real image formed? Anyone? Do you know? Real image कब बनती है? रियल इमेज इज फॉर्म्ड व्हेन द रेज ऑफ लाइट एक्चुअली मीट एट अ पॉइंट। जब एक्चुअली कहीं पे मीट करती हैं तब हमें रियल इमेज दिखती है। वर्चुअल इमेज तब बनेगी जब रेज एक्चुअली मीट नहीं करती हैं, हम इमेजिन करते हैं कि वो यहाँ पे मीट कर रही होंगी, तो वो हमारी इमेजिनेशन होती है, उसको हम वर्चुअल इमेज कहते हैं। एग्जिस्ट नहीं करती अपने आप, वैसे वो एग्जिस्ट नहीं करती, हम उसको इमेजिन करते हैं। जैसे कि व्हेन वी सी आवर फेस इन द प्लेन मिरर, वो वर्चुअल इमेज है। आप जितनी देर मिरर के आगे खड़े हो तब तक वो इमेज है, वो मिरर पे छप नहीं गई है। आप दूर चले जाओगे आपकी इमेज गायब हो जाएगी। तो वो वर्चुअल थी, आपको लग रहा था, वो इमेज एक्चुअली मिरर पे बनी नहीं है। ठीक है, और रियल इमेज वो है जो टीवी पे देख रहे हो, जो फोटोग्राफ आपके हाथ में, वो रियल इमेज है। जो सिनेमा हॉल स्क्रीन पे जो इमेजेस देख रहे हो वो रियल इमेजेस है, दे हैव बीन ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। ठीक है, तो लिखिए डेफिनेशन, रियल इमेज, व्हेन इज अ रियल इमेज फॉर्म। क्वेश्चन है, व्हेन इज अ रियल इमेज फॉर्म, या राइट अ नोट ऑन रियल इमेज, कुछ भी लिख सकते हो आप। क्वेश्चन, गो ऑन फ्रेमिंग द क्वेश्चन साइड बाय साइड, यू नो हाउ टू। ठीक है, तो लिखिए इसका आंसर, व्हेन टू रेज ऑफ लाइट मीट एट अ पॉइंट, मिनिमम टू रेज चाहिए एक इमेज बनाने के लिए। तो आप लिख सकते हो व्हेन टू और मोर देन टू रेज, या टू रेज ही लिख लो, कोई बात नहीं। व्हेन टू रेज एक्चुअली मीट एट अ पॉइंट, रियल इमेज इज फॉर्म्ड। व्हेन टू रेज एक्चुअली मीट एट अ पॉइंट, रियल इमेज इज फॉर्म्ड। रियल इमेज इज फॉर्म्ड। तो एग्जांपल लिख लीजिए, इमेजेस ऑन अ टीवी स्क्रीन, फोटोग्राफ जो हैं आपके पास वो, images on a cinema hall screen are real. ठीक है, images on a TV screen, in images on cinema hall screen, photographs, all are real images. Second point related to real images is that real images can be obtained on a screen, like we are talking, they can be photographed. Real images can be photographed, they can be obtained on a screen.
हम स्क्रीन पे देख रहे हैं ना उनको, फोटोग्राफ हमारे हाथ में हम देखते हैं ना उसको, वो फोटोग्राफ की गई है, वो स्क्रीन पे ऑब्टेन की गई है, पेपर पे आ गई है वो इमेज, ठीक है। सो रियल इमेज कैन बी फोटोग्राफ। थर्ड पॉइंट रिलेटेड टू रियल इमेजेस, रियल इमेजेस ऑलवेज इन्वर्टेड, उल्टी बनती है, रियल इमेजेस ऑलवेज इन्वर्टेड। फॉर एग्जाम्पल, जो हमारी आईज में लेंस है, आई लेंस विच इज अ कॉन्वेक्स लेंस, इट फॉर्म्स रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन आर रेटिना। वो हमारे रेटिना पे इन्वर्टेड इमेज बनाता है उस चीज की जो हम देखते हैं। बट हाउ डू वी सी इट्स इरेक्ट इमेज, इरेक्ट कैसे दिखती है, हमें तो सीधी दिख रही। ब्रेन इंटरप्रेट्स द मैसेज और वो हमें सीधी करके दिखाता, अदरवाइज हमारे रेटिना पे किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज इन्वर्टेड बनती, ठीक है। तो एग्जाम्पल लिख सकते हो आप, इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस, मतलब कॉन्वेक्स लेंस कैन फॉर्म रियल इमेज, वर्चुअल भी बना सकता है, रियल भी बना सकता है, बट कनकेव लेंस कैन नॉट फॉर्म रियल इमेज। तो आप लिख सकते हो कॉन्वेक्स लेंस एंड कनकेव मिरर, कॉन्वेक्स लेंस एंड कनकेव मिरर कैन फॉर्म रियल इमेज, ये एग्जाम्पल लिख सकते हो, कॉन्वेक्स लेंस एंड कनकेव मिरर कैन फॉर्म रियल इमेज। देन वी कम टू वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड व्हेन द रेज ऑफ लाइट अपीयर टू मीट एट अ पॉइंट, दे आर नॉट एक्चुअली मीटिंग। वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड व्हेन द रेज ऑफ लाइट अपीयर टू मीट एट अ पॉइंट, okay, virtual image is formed when the rays of light appear to meet at a point. ये होगी इसकी definition. Second point related to virtual image is that virtual image cannot be photographed. It cannot be obtained on a screen. वो हमें सिर्फ दिखती है, लगता है कि उस पर बनी है, पर वो एक्चुअली उस पर बनती नहीं है इमेज, ठीक है। जैसे आपको मैंने प्लेन मिरर में फेस का एग्जांपल दिया, ठीक है। सो वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी फोटोग्राफ, इट कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन। थर्ड पॉइंट इज वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट, हमें वर्चुअल इमेज सीधी दिखती, ठीक है। जो व्हीकल में रियर व्यू मिरर होता है ना टू सी द ट्रैफिक बिहाइंड, वो कन्वेक्स होता है और उसमें आपको सीधी सीधी छोटी छोटी इमेजेस दिखती है, इरेक्ट दिखती। सो वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट, यू सी योर फेस, इरेक्ट फेस इन द प्लेन मिरर। आप मिरर में रोज सुबह कॉम करते हो, अपना फेस देखते हो, तो इरेक्ट दिखता है ना आपको, इन्वर्टेड तो नहीं दिखता। अगर इन्वर्टेड दिखे तो आप कैसे कॉम करोगे, कैसे अपना जो है आप रेडी कैसे होगे, है ना। तो वहां पे हमें इरेक्ट इमेज ही दिखनी चाहिए, तो इसलिए वहां पे वर्चुअल इमेज चाहिए हमें। इज दैट ओके। दिस इज अ कॉन्वेक्स मिरर, शॉप्स में लगा देखा होगा, रोड साइड पे लगा देखा होगा, तो इसमें पूरी शॉप का व्यू दिखता है, दिस इज अ कॉन्वेक्स मिरर बल्जिंग आउटवर्ड। तो ये इरेक्ट इमेज बनाता है, सीधी इमेज बनाता है, इसमें पूरी रोड या पूरी शॉप, इसीलिए इसको विजिलेंस मिरर कहते हैं, वी विल डू लेटर, ठीक है। और दिस इज अ प्लेन मिरर, इट ऑल्सो फॉर्म रियल इमेज। प्लेन मिरर ऑल्सो फॉर्म्स इरेक्ट इमेज एंड वर्चुअल इमेज, नॉट रियल, वर्चुअल इमेज। तो एग्जाम्पल लिख लीजिए, प्लेन मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर, दे फॉर्म वर्चुअल इमेज। प्लेन मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर फॉर्म वर्चुअल इमेज, they form virtual image. हाँ, concave lens, concave lens always forms virtual image. concave lens का भी example लिख सकते हो, concave lens can never form real image, it always forms virtual image. then अब mirrors का करते क्या है, हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होती है, मिरर कैन रिफ्लेक्ट द लाइट, ये लाइट को वापस भेज सकते हैं, टकरा के लाइट वापस चली जाएगी, दैट इज कॉल्ड
रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. अब सपोज कर लो कि मैं एक बॉल बोर्ड पे हिट करती हूँ, क्या होगा? वापिस आ जाएगी. ऐसे ही लाइट जब मिरर से स्ट्राइक करती है वो वापिस आ जाएगी. दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. सो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग अ मिरर इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. लिखो, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट after striking, bouncing back of light after striking a smooth and shining surface, bouncing back of light after striking a smooth and shining surface like mirror is called reflection of light. Is called reflection of light. Polish, देखो, हाँ ये silver polished है. Mirror क्या होता है? It's a piece of glass which is polished silver from one side and painted with some opaque material on the other side. तो ये पोर्शन रिफ्लेक्टिंग होता है और ये पोर्शन ओपेक बनाया जाता है. इट डज नॉट रिफ्लेक्ट लाइट, इट रिफ्लेक्ट लाइट बीइंग इट एज सिल्वर पॉलिश. ठीक है, यूजली रेड कलर का होता है, यहाँ ब्लू सा है, ग्रीन सा आपने यूजली देखा होगा. रेड कलर का होता है वो, रेड लेड ऑक्साइड का पेंट होता है रेड कलर. ठीक है, चलिए डायग्राम ये आपने लोअर क्लासेस में किया हुआ है. दिस इज अ प्लेन मिरर. लाइंस क्या शो करती है? यही वाला बैक सर्फेस. लाइंस आर शोइंग दिस ब्लैक सर्फेस, ये जो ओपेक है. यहाँ से लाइट नहीं, ये प्लेन सर्फेस है, ये शाइनिंग है. यहाँ से लाइट फॉल करेगी और रिफ्लेक्ट करेगी. ठीक है, तो एक रे मैंने बॉल मारी, ये वापस आ गई. तो वैसे ही ये इंसिडेंट रे है, मिरर से टकराई और रिफ्लेक्ट बैक हो गई. दिस इज रिफ्लेक्टेड रे and this is normal. This is angle of incidence, angle of reflection, point of incidence. This is plane mirror. तो ये डायग्राम बचपन से करते आ रहे हो आप रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का, है ना? So you can draw that diagram showing reflection of light. Do you have two pencils or two pens? अब ये सपोज कर लो कि मैंने दो पेन्स रखे हैं ऐसे, आपको इनकी इमेज दिखेगी इसमें ऐसे. ये देखिए इमेज दिख रही है, और हम ऐसे इसको घुमा सकते हैं, एंगल चेंज होता जाएगा. तो जहां पे ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बन रहा है वहां फिक्स कर देते हैं. ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट आए और ये लाइन भी बिल्कुल स्ट्रेट आए. ये देखो पेंस की इमेज दिख रही है, ऐसे क्रॉस बन रहा है, पूरा क्रॉस बन रहा है ना दीपांश? ठीक है, तो ये क्रॉस दिख रहा है ना आपको. आप ऐसे एंगल चेंज कर सकते हैं, ये एंगल चेंज कर दिया जहां पे. अब सेंटर में एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, ऐसे रखिए घर पे, और जहां पे बिल्कुल आपको लाइन स्ट्रेट लगे वहां पे एंगल मेजर करिए दोनों से. डी से, डी होती है ना आपके पास, डी से एंगल मेजर करिए. आप देखोगे आई और आर बिल्कुल सेम है. आप घर पे करके देख सकते हो, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल कम आउट टू बी इक्वल. सो दिस इज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. तो लिखिए नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट आर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. फर्स्ट लॉ तो यही है, आप देख सकते हो ये सेम प्लेन में है. इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन, दे आर को प्लेनर. को मीन सेम. ठीक है, तो फर्स्ट लॉ लिखिए, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल
आर को प्लेनर या दे लाई इन द सेम प्लेन. इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन. लाई इन द सेम प्लेन. सेकेंड लॉ, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ठीक है, क्लियर है? तो ये हो गए लॉज. अब प्लेन मिरर वैसे सिलेबस में नहीं है, उन्होंने डायरेक्टली स्फेरिकल मिरर से स्टार्ट किया है, पर हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं. व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर. रे डायग्राम नहीं करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स एक बार रिकॉल कर लेते हैं. फाइव कैरेक्टरिस्टिक्स आपने की हुई हैं. जस्ट टेल मी कौन सी फाइव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि इमेज प्लेन मिरर की कैसी होती है उसके रिगार्डिंग. हाँ, एक तो अभी हमने कहा वर्चुअल है, ये देखो, और कहा वर्चुअल इरेक्ट होती है, दो हो गई. और हाँ, हमें फेस सेम साइज का दिखता है. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर. पहली यही हो गई वर्चुअल, और वर्चुअल इज ऑलवेज इरेक्ट. It is of the same size as the object. हाँ, जितने डिस्टेंस पे आप मिरर से होते हो उतने डिस्टेंस पे आपकी इमेज मिरर से होती है, आपने देखा हो. सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस. थर्ड लिख सकते हो, फोर्थ आप. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस. हाँ, and fifth characteristic is image is laterally inverted, lateral inversion. Object distance is equal to image distance and image is laterally inverted. What is lateral inversion? हाँ, left side right दिखती है, right left दिखती है. अगर seven ऐसे बना हुआ आपको ऐसे दिखेगा, ठीक है? So that is called lateral inversion. So image laterally inverted होती है, हमें mirror image दिखती है. तो लिख लो lateral inversion. When an object is kept in front of a plane mirror, when an object is kept in front of a plane mirror, its left hand side appears to be the right hand side. LHS RHS लिख दो. Its left hand side appears to be the right hand side and vice versa. When an object is kept in front of a plane mirror, its left hand side appears to be the right hand side and vice versa. ठीक है? और there are two types of mirrors, spherical mirrors. Concave mirror and convex mirror. Concave mirror and convex mirror. एक स्पून लीजिए घर पे, उसकी जो इन साइड साइड है, अंदर वाली साइड है शाइनिंग, उसमें आपको फेस अपना कैसा लगेगा, थोड़ा मैग्नीफाइड लगेगा. उसकी बैक साइड देखिए जो बाहर की तरफ है, उसमें आपको अपना फेस छोटा लगेगा. तो ये मिरर के एग्जांपल्स हैं, स्पून की दो साइड मिरर के एग्जांपल हैं. जो इनसाइड सरफेस था वो कंकेव है, और जो आउटसाइड बल्जिंग पोर्शन है वो कन्वेक्स है. ये मिरर आपको याद रहेगा, ये बाहर की तरफ है ना, बाहर की तरफ है ये, बल्जिंग बाहर की तरफ है, ये कॉन्वेक्स है.
और जो अंदर की तरफ होता है वो कंकेव है। यहां से आप याद रख सकते हो दिस इज अ कंकेव मिरर, पर ऐसे देखने पे नहीं आपको पता लगेगा, इसको अगर आप टच करोगे अंदर की तरफ है, थोड़ा थोड़ा सा अंदर की तरफ है शाइनिंग सरफेस। सो दिस इज अ कंकेव मिरर, इसमें देख के हमें पता चल जाता है इसमें मैग्नीफाइड दिख रही है हमें भी, इसमें बड़ी दिखने लगे, ठीक है। तो कंकेव को बनाओगे ऐसे और कॉन्वेक्स को बनाओगे ऐसे, ठीक है। कॉन्वेक्स वो जो मैंने दिखाया आपको बड़े वाला, ये बाहर की तरफ है, और कंकेव अंदर की तरफ, ये याद रखना है, मिरर उल्टा नहीं होना चाहिए, राइट। बना लो,